आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ है। 21 दिन हो गए हैं, 21 दिनों से लगभग पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, जो पता नहीं कब रुकेंगे। आज देश की राजधानी दिल्ली और देश में बाकी जगह पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 रुपये को छू रही है। इनफैक्ट दिल्ली में तो डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गई, जो अभी तक कभी इतिहास में देखा नहीं था। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। देश की राजधानी दिल्ली का तो ये हाल है कि आज पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा डीजल की कीमत हो चुकी है, जो कि इतिहास में पहले कभी मैंने तो नहीं देखी। और ये सब इस समय हो रहा है जब देश ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। देशवासियों के पास नौकरी नहीं है पैसों के लिए, पैसा नहीं है खाने के लिए, और उस समय पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे तौर पर पूरे देश पर पड़ रहा है। आप 3-4 हफ्ते पहले की तस्वीर उठाकर देख लीजिए। लोग पैदल अपने गांव और घर लौट रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के पास दो वक्त की रोटी के लिए पैसा तक नहीं था। और जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली 21 दिनों से फ्यूल के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब ऐसे में एक आम नागरिक कैसे अपना गुजारा करेगा? देश में आज काम नहीं है, बेरोजगारी से लोग सुसाइड कर रहे हैं, और उस पर अभी पेट्रोल डीजल की मार। देश में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ हम आम इंसान पर डाला जा रहा है। आखिरकार सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? आखिरकार इसको कम क्यों नहीं करा जा रहा है? क्योंकि सरकार चाहे तो इस बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल कर सकती है और रोक सकती है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ तो केवल मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें जो टैक्स से पैसा जाता है वो दोनों के पास जाता है। तो अभी जो बयानबाजी हो रही है सिर्फ केंद्र को टारगेट किया जा रहा है, तो राज्य सरकार खुद के रेट क्यों नहीं कम कर देती? राज्य सरकार खुद के रेट कम कर दे, खुद का मुनाफा कम कर दे। कुल मिलाकर इसमें भी पॉलिटिक्स करी जा रही है। अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो देश में लगभग 2.5 से 3 महीने का लॉकडाउन था, जिस समय देश में रेवेन्यू कलेक्शन ऑलमोस्ट निल था। देश में कहीं पे ना काम चल रहा था, ना कोई फैक्ट्री ओपन थी। उस समय देश के एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, क्योंकि लोगों को खाना खिलाना रहता था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना रहता था, मेडिसिन मंगवानी रहती थी, किट्स मंगवानी रहती थी, बहुत से खर्चे थे, जिसके चलते देश का जो खजाना होता है, जिससे वो पैसा खर्च करता है, वो ख़त्म होने लगा था। तो उसको वापस से भरने के लिए पहले तो शराब के ठेके खोले गए, जिससे थोड़ा रेवेन्यू कलेक्शन होता रहे। देन अब जब ये अनलॉक पीरियड स्टार्ट हुआ है तो कंटिन्यूसली पेट्रोल और डीजल के प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। फ्यूल के प्राइस में इंक्रीमेंट करना सबसे आसान तरीका होता है रेवेन्यू कलेक्शन का। जब आप शराब सिगरेट में टैक्स बढ़ाते हैं तो ज़्यादा लोगों को इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग इसको कंज्यूम करते हैं। पर जब आप पेट्रोल या डीजल का प्राइस बढ़ाते हैं तो पूरे देश में इसका असर होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए, अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो महंगा होगा ना, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो कुल मिलाकर जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो अनाज है, दाल चावल रोटी जो भी है, दवाई है, इन सब की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके चलते लोगों के सीधे जेब पर असर होता है इस चीज़ का, और देश में महंगाई बढ़ जाती है। इसमें क्या सरकार का ये फ़र्ज नहीं बनता कि वह अपने खजाने को भरने के साथ साथ देश के नागरिकों की ज़रूरतों की भी चिंता करे? लॉकडाउन के पीरियड में जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, उसकी कीमतें $0 से भी कम चली गई थी, मतलब नेगेटिव चली गई थी। तब भी हमारे यहाँ फ्यूल के रेट 75 रुपये के अराउंड ही थे। तब सरकार ने कम नहीं किया था, चाहते तो तब कम कर सकते थे, बल्कि अपना धीरे धीरे कमीशन उसमें बढ़ाते गए ताकि रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता रहे। सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो भी स्कीम चलाती है उसमें पैसा इसी कलेक्शन से जाता है। ये जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है सरकार के जेब में नहीं जाता ये, लेकिन जो स्कीम्स चलाते हैं ये पैसा इसमें डालने के लिए होता है। दुनिया भर में आज महंगाई का यही आलम है, पर भारत देश में सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल मंथ में जो GST कलेक्शन हुआ था वो 47,000 करोड़ रुपये था, और इस साल अप्रैल में जो GST कलेक्शन हुआ है वो मात्र 6,000 करोड़ रुपये। तो आप इससे खुद समझ सकते हैं कि सरकार को कितना घाटा हुआ इस साल, और इस घाटे से निकलने के लिए सरकार इस स्टेप को फॉलो कर रही है। बीते 5 सालों में सरकार के पास जो पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से पैसे आए हैं वो तकरीबन 2.23 लाख करोड़ रुपीज़ हैं। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, और यही एक रीज़न है कि सरकार इसको GST स्लैब्स में नहीं ला रही। सरकार इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है, क्योंकि अगर इसको GST में ला देंगे तो ये पेट्रोल और डीजल हमें काफ़ी कम कीमतों में मिलेगा,
क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल की जो बेस कीमत है वो 22 से 23 रुपए है, जिसे अगर जीएसटी के तीनों स्लैब्स में भी ले आए अपन तो भी ये चीज़ें हमें सिर्फ 33 से 35 रुपए के बीच में मिल जाएगी, जो अभी हमें 80 रुपए जिसके देने पड़ रहे हैं। चलिए, आपने टैक्स बढ़ाकर अपना खजाना भरने का तो सोच लिया, पर जो हालत आपकी है वही हालत एक आम नागरिक की भी है, जिनके पास कमाई का कोई सोर्स नहीं है। आप तो टैक्स लगाकर अपना खजाना भर लोगे, पर उन लोगों को क्या जिनके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे इस बढ़ती हुई महंगाई में। इस मुद्दे पर सरकार चाहे जो चाहे बोले या एक्सक्यूजेस दे या पॉलिटिकली भिड़ा रहे या चुप रहे, आखिरकार पिस तो एक आम नागरिक रहा है ना इस मुद्दे में, नुकसान तो एक आम नागरिक का हो रहा है इस चीज़ में। तो मेरी सरकार से इस वीडियो के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने खजाना भरने के कुछ और सोर्सेज भी देखें, ताकि जो देश का आम नागरिक है वो भी इस देश में सर्वाइव कर सके और आपका खजाना भी भरता रहे और देश भी चलता रहे। क्योंकि भुखमरी के आंकड़ों की अगर बात करी जाए तो भारत की बहुत ही ख़राब हालत है पूरी दुनिया में। तो अब इसको और न बढ़ावा देते हुए बढ़ते हुए प्राइजेस को कंट्रोल करें और एक देश के आम नागरिक का भी गुजारा चलने दें। और जो इसमें अपोजिशन पार्टीज़ उंगली उठाती हैं, अगर वो इतना सोचती हैं लोगों के बारे में, तो वो अपने स्टेट का कम कर लें प्राइस, अपना मुनाफा जितना टैक्स में मिल रहा है उनको वो कम कर लें। अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो आप तो कर सकते हो ना, आप बोल रहे हो तो आप कर लीजिए ये चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।